खबर जनपद हरिद्वार के लक्सर से है, जहां पथरी थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडीएमए ड्रग्स उर्फ सफेद चिट्टा की बड़ी खेप बरामद कर एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पथरी क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर एक संदिग्ध बाइक सवार को दबोचा। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से बेहद घातक नशा सफेद चिट्टा, मिथाइनलीन, डाइऑक्सी मेथाफेटामीन बरामद किया गया, जिसकी बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। आरोपी को तुरंत हिरासत में लेकर थाने लाया गया। इसी क्रम में एसएसपी परमेंद्र सिंह डोबाल ने कहा कि पथरी पुलिस ने शानदार काम किया है। एमडीएमए बेहद घातक नशा है जो युवाओं को बर्बाद कर रहा है। हम इसकी सप्लाई करने वालों को पूरी चेन की जांच कर रहे हैं और जल्द ही और लोग भी जेल में जाएंगे। लक्सर से अरुण कुमार की रिपोर्ट। 17 तारीख को थाना पथरी में सुभाषगढ़ तिराहे के पास में थाना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति सरफराज, जो एमडीएमए नामक नशे की एक खेप को लेकर हरिद्वार जनपद में आ रहा था, उसको चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। इससे करीब 200 ग्राम एमडीएमए में मिला है, जो बहुत ही नशे में इसका उपयोग किया जाता है और ये एक नई नशे की एक नई खेप को लेकर आ रहा था। इसके पीछे जो भी वेयरबाउट्स हैं, क्योंकि हमें ये जांच और पूछताछ से पता लगा कि ये पंजाब के थ्रू यहाँ पर आई थी, तो जो भी लोग इसमें अन्य शामिल हैं, पुलिस उनकी जल्दी और तलाश कर रही है। अन्य लोगों की भी इसमें अरेस्टिंग की जाएगी और इसमें करीब 200 ग्राम एमडीएमए की कीमत, जो आज की डेट में बाजार में 2 करोड़ से ऊपर आकी गई है, उसको पुलिस के द्वारा अभी सीज किया गया है और इनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है।